नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ऑनलाइन पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सचिवालय विभाग की तरफ से भर्ती निकाली जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, और हम आपको बता दें पदनाम की बात करते हैं, तनुसेवक, सहायक लेखा अधिकारी और अन्य पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं और वेरियस पोस्ट है। आप लोगों को पता है कि विभिन्न प्रकार की वैकेंसियाँ निकल के आई हुई हैं, इन सभी की अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई हैं, जैसे कि 5वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएशन पास। आप सभी के लिए मौका है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सरकारी नौकरी है जी हाँ फ्रेंड्स, और हम आपको बता दें कि इसका ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा, और अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, इसकी लास्ट डेट क्या है और साथ में और क्वालिफिकेशन सबकी क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी नोटिफिकेशन के जरिए। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ और ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ की तरफ से निकाली जा रही है। और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप गुजरात से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर डेट की बात कर लेते हैं, तो 18 सितंबर 2020 से इसका स्टार्ट किया गया है, ऑनलाइन प्रारंभ है और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि यहाँ पर 12 अक्टूबर रखी गई है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने किए जाने की अंतिम तिथि यहाँ पर 13 अक्टूबर है और ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार यानी सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि यहाँ पर 16 अक्टूबर रखी गई है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई गई है, हम आपको इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देख पा रहे हो अभ्यर्थियों हेतु निर्देश, विज्ञापन और आवेदन पत्र भरना, ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है। फॉर्म कैसे भरना यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है, और ऑनलाइन और आप चालान दोनों के माध्यम से यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के माध्यम से फॉर्म फिल कर उसका जो फ़ी है फिल करा सकते हैं। और यहाँ पर फ़ी की बात करें तो आरक्षित का यहाँ पर 1050 रखा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग का भी वही रखा गया, अनुसूचित जाति का 800 रुपये रखा गया, अनुसूचित जनजाति का 800 रखा गया है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का 1050 रखा गया। दिव्यांग के लिए कोई परीक्षा नहीं है यहाँ पर, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये दे होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर महिला और भूतपूर्व सैनिक के लिए तदेव वही जानकारी है। और हम आपको बता दें, अगर आप अलग राज्य से फॉर्म भरते हैं तो चाहे आप अनुसूचित हों या फिर जनजाति हों, आपके लिए वही शुल्क रखा जाएगा 1050, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पदनाम की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर समीक्षा अधिकारी, अपन निजी सचिव, वृत्त लेखक, समीक्षा अधिकारी, शोध सहायक, सुरक्षा सहायक, सुरक्षा सहायक महिला, इन सभी की पोस्ट यहाँ पर संपादक अनुसेवक के शामिल है। और फ्रेंड्स, हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, यहाँ पर वैकेंसियाँ फ़िलहाल ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब है एंड आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है। अगर आप इसके योग्य हैं तो फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर शैक्षणिक दिया गया कार्य अधिकारी प्रकाशन पदनाम, जैसे कि उनके लिए स्थापित विश्वविद्यालय में आप स्नातक होना चाहिए आपके लिए, फिर संपादक का है। ठीक है, टोटल 73 पोस्ट शामिल की गई हैं। तो हम शॉर्टकट में यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रिव्यू ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल प्राइवेट के लिए यहाँ पर दिया गया, आप देख पा रहे हो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और हिंदी स्टेनो का यहाँ पर जो टेस्ट लिया जाएगा उसके लिए, जैसे कि आपको पता 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, फिर टाइपिंग आपके पास 25 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए, साथ में CCC का यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद कॉपी राइटर का दिया गया है, ठीक है, इसके लिए 10+2 यहाँ पर रखा गया है, स्टेनोग्राफर रखा गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों। उसके बाद यहाँ पर रिव्यू का दिया गया है, आप देख पा रहे हो रिव्यू ऑफिसर अकाउंट का, बैचलर डिग्री मांगा गया है कॉमर्स से विथ ओ लेवल सर्टिफिकेट पास यानी ओ लेवल के साथ। यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंस का दिया गया है, मास्टर डिग्री इन एनी लेक्चरर या सोशल सब्जेक्ट विथ रिसर्च एंड 3 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर सिक्योरिटी एडवाइजर का दिया गया है 10+2 पास और हाइट यहाँ पर 168 मीटर रखी गई है, वेट यहाँ पर 69 kg रखा गया है, चेस्ट आप देख पा रहे हो 86-91 सेंटीमीटर है। फिर सिक्योरिटी एडवाइजर फीमेल का दिया गया है, एडिटर का दिया गया है एंड उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर का दिया गया है। फिर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर सर्वाइसर का दिया गया है, और जिसकी 10 पोस्टें हैं, 18 से 40 वर्ष रखी गई है, 5वीं पास ये भर्ती है। इस तरह से आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो, हर एक चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके योग्य हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, साथ में वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग 18 तारीख से फॉर्म फिल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम
एक ही ऑनलाइन पॉइंट सर्च करें टेलीग्राम में, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन जरूर हो जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि ऑनलाइन पॉइंट को, आपको यहाँ पर सरकारी नौकरी की अपडेट डेली दिया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।